एवरीडे माइसेल्फ अंजलि सिंह राजपूत फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन बिहार आवर स्कूल स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब सो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स मीन्स गणित सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 बताया था और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 बताने जा रही हूँ. लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन. मतलब कि संख्या को लिखना है, पहले वाली संख्या को लिखना है, बाद वाली संख्या को लिखना है और बिटवीन मतलब होता है बीच वाली संख्या को लिखना है. तो हम ए से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. यहाँ पर लिखा है आपको 1001 के पहले क्या आता है तो 1000. बी में आते हैं 1031 के पहले क्या आता है तो 1030. सी में आते हैं आपको 5756 तो 5756 के पहले क्या आएगा तो 5755. डी में 6375 के पहले क्या आएगा 6374. ई में 7385 के पहले क्या आएगा तो 7384. आफ्टर मतलब बाद में, अब बाद वाला बताना है तो एफ 4009 के बाद क्या आएगा 4010. जी में 6634 के बाद क्या आएगा तो 6635. एच में 8459 के बाद क्या आएगा तो 8460. आई में 9578 के बाद क्या आएगा तो 9579. जे में 3000 है तो 3000 के बाद क्या आएगा तो 3001. बिटवीन मतलब स्टंट होता है बीच में. के में आपको लिखा है 3099 और उसके बाद लिखा है 3101. इसके बीच में क्या आता है तो 3100, मतलब कि 3100 को हम बोल सकते हैं कि 3100. एल में आपको देखिए 4064 और 4066, मतलब इसके बीच में क्या आएगा तो 4064 के बाद आता है 4065, उसके बाद 4066, तो इस दोनों के बीच में आएगा 4065. एम में 6078 और 6080 के बीच में क्या आता है तो 6079. एन में 2999 और 3001 के बीच में क्या आएगा तो 3000 ही आएगा. ओ में 3640 और 3642 के बीच में क्या आएगा तो 3641. कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2. राइट द प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर. जो नंबर दिया है, जो अंक दिया है उसको प्रेडिसेसर लिखना है. उसका प्रेडिसेसर मतलब होता है उसके पहले वाला या उसमें एक घटा देना है. सक्सेसर मतलब होता है उसके बाद वाला या उसमें एक जोड़ देना है. देखिए प्रेडिसेसर में क्या करते हैं स्टूडेंट, ये 3, 4, 5 एक डिजिट दिया है या नंबर दिया है, सॉरी नंबर दिया है 3, 4, 5, 5 है ना तो इसके लास्ट में हम एक घटा देते हैं. 5 में जब एक घटा देंगे तो 4 हो जाएगा तो 3, 4, 4 होगा. तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3, 4, 4. बी में 2137 है स्टूडेंट, तो 2137 के किस में आपको घटाना है. प्रेडिसेसर में तो घटाया जाता है तो इसके लास्ट में वन डिजिट वन नंबर घटा दो. 7 में एक घटा दोगे तो 6 होगा तो 2136. ऐसे सी पे आते हैं 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 है उसमें प्रेडिसेसर हमको करना है तो 3, 4, 5, 6 में एक घटा देंगे. 6 में एक घटा देते तो 5 होता है तो 3, 4, 5, 5. डी में आते हैं, डी में हमारा क्या है 6789 मतलब 6789. 6789 में 9 में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6788. ई में आते हैं 8924 है, 4 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 8923. अब आते हैं सक्सेसर पे. सक्सेसर को हम बोलते हैं बाद में या सक्सेसर के ये जो डिजिट हमारा दिया है, ये नंबर दिया है उसके लास्ट वाले नंबर पर एक हम जोड़ देते हैं तो हमारा होता है सक्सेसर. एफ में देखिए 241 में एक जोड़ देंगे तो 2 होगा तो 242. जी में 1392 लास्ट में हम एक जोड़ देंगे, 2 में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा तो 1393. एच में 2450 है तो 2450 0 में एक जोड़ोगे, 0 में 1 ऐड करते हो तो 1 होता है तो 2451. आई में 8070 है तो 8070 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 होगा तो 8071. जे में 9006 तो लास्ट वाले में ऐड करेंगे तो 6 में एक ऐड करेंगे तो हो जाता है 7 तो 9007. अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे. राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर. जो अंक दिया है उसका हमको प्रेडिसेसर लिखना है और सक्सेसर लिखना है. मतलब प्रेडिसेसर में लास्ट वाले नंबर में एक घटाया जाता है, सक्सेसर में लास्ट वाले नंबर में एक जोड़ा जाता है.
तो 3611 का हमको प्रीडेसेसर भी बताना है और इसी का सक्सेसर भी बताना है। तो 3611 प्रीडेसेसर है, तो वन लास्ट वाले में क्या करोगे, वन घटा दोगे, तो वन में वन घटा देते हैं, जब वन में वन घटा देते हैं हो जाता है जीरो, तो 3610। उसी का सक्सेसर बताना है, तो वन में वन को जोड़ दो, तो 3 6 3 6 वन में वन को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3612। ऐसे ही आते हैं बी पे, लिखा है आपको 7878 का आपको पहले प्रेडिसेसर बताना है, तो 8 में हम वन घटाएंगे, तो 8 में जब वन घटा देते तो हो जाएगा 7877। ऐसे सक्सेसर है तो एक 8 में क्या करते हैं, वन जोड़ देते हैं, तो 7879। फिर आते हैं सी पर 2550 स्टूडेंट, तो 2550 का प्रेडिसेसर बताना है, तो इसके लास्ट में एक क्या करो, घटा दो, सॉरी एक इसमें आप घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 2549, और इसी में एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा सक्सेसर में, तो 2551। वैसे ये हमारा डी है 6341, मतलब 6341, इसमें सक्सेसर सॉरी प्रेडिसेसर बताना है, तो वन में वन को घटाओगे तो 6340, वन में वन को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा सक्सेसर, तो हो जाएगा 6342। आपका 4 क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा कि राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 3 नंबर का सबसे छोटा नंबर, आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, 3 नंबर का, 3 संख्या का, 3 अंक का सबसे छोटा आपको संख्या लिखना है, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है और उसका आपको प्रेडिसेसर और सक्सेसर बताना है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है स्टूडेंट, 100 होता है, 100 का हमको प्रेडिसेसर बताना है, तो 100 में जब हम एक घटाएंगे तो हमको क्या होता है 99, और 100 में एक जोड़ेंगे तो सक्सेसर बनेगा, तो क्या हो जाएगा 101। ऐसे ही हम आते हैं 5 पर, राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है स्टूडेंट, 1000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 1000 का प्रेडिसेसर करोगे और सक्सेसर करना है, तो प्रेडिसेसर में घटाते हैं, तो हम देखो यहाँ पर प्रेडिसेसर में एक घटाए हैं तो हो जाएगा 999। और जब इसमें हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1001। ये आज का इतना ही था स्टूडेंट, प्रेडिसेसर और सक्सेसर, प्रेडिसेसर में एक घटाया जाता है, सक्सेसर में एक जोड़ा जाता है। 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का मतलब होता है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको होता है 1000। और इसको आपको अच्छे से कॉपी पे, अगर आपके पास बुक नहीं है स्टूडेंट तो नो डाउट आप कॉपी पे लिखना, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पे उतारना, और आई होप डैट कि आपको ये प्रेडिसेसर और सक्सेसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू माय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।